This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not अगेन डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट द प्रोपर गाइडलाइन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर नमस्कार फ्रेंड स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिशनरी ये प्रोडक्ट देख करके आपको आपके बचपन की याद तो पक्का आ गया होगा जब छोटे थे हम खेलते थे कुत्ते थे कुछ भी खेलते कुत्ते समय हमारे हाथ पैर छिल जाते थे और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता था इस तरह के हैंसा प्लास्क को परचेज करना या अगर आपके घर के फर्स्ट एड बॉक्स में है तो वहाँ से निकालना या कई बार तो आपको बिना निकाले ही आपकी मम्मी निकाल करके दे दिया करती थी ये जो प्रोडक्ट है वो यू तो बहुत बेसिक है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम इसमें जोड़ करके समझ करके एज्यूम करके इसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं पूरी तरह से सेम टू सेम नहीं होगा लेकिन एज्यूम करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है सबसे पहला ये जो हैंसअप प्लास्ट है वो उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन देख लें ये वॉश प्रूफ एक एडेसिव बैंडेज है जो कट जाने पे छिल जाने पे खास करके छिल जाने पे कटने पे उतना इफेक्टिव नहीं होता लेकिन छिल जाने पे ये काफी इफेक्टिव होता है उस जगह पे जब हम इसको स्टिक करते हैं क्योंकि ये बैंडेज की तरह चिपकने वाला है तो उसके बीच में इस हैंसअप प्लास्ट के बीच में आपने तो यूज़ किया ही होगा एक ड्रग का रिजर्वायर होगा इस ड्रग के रिजर्वायर में आपका मेडिकामेंट जो कि यहाँ पर कोनियम होगा कोनियम क्लोराइड सोल्यूशन होगा और इसको हम उसमें एडहेस करते हैं क्योंकि ये आपका एडेसिव की तरह काम करेगा और जब इसको हम स्टिक करते हैं इसके पीछे के मेम्ब्रेन को निकालने के बाद स्टिकर को निकालने के बाद तो वो आपके उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन वाले पार्ट में या छिले गए इन पार्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं और इनका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूटर है बेंजाइल कोलियम क्लोराइड ये रिलीफ प्रोवाइड करता है उस तरह के इन्फेक्शन से आपको आगे और ज्यादा कंडीशन को खराब होने से सो एक प्रकार से कह लीजिए कि एंटीसेप्टिक प्लस्टर है और अगर मैंने आपको कहा था कि हमको इसको रिसैम्बल करना चाहिए तो किससे रिसम्बल करेंगे पूरी तरह से मैच नहीं करेगा लेकिन समझने के परपज से इसको आप ट्रांसडर्मल पैचेस से जोड़ करके देख सकते हैं देखिए बेसिकली एक ऐसा लेयर होता है जहां पे हम आपके ड्रग के रिजर्वायर को यूज़ करते हैं। ये रहा आपका ड्रग रिजर्वायर। ड्रग रिजर्वायर कहने का मतलब होता है एक ऐसी जगह एक ऐसा हिस्सा एक ऐसा पार्ट जहां पे आप ड्रग को होल्ड करके बाइंड करके रखेंगे तो इस ड्रग रिजर्वायर में आपका ड्रग होगा और इसके इस तरफ एडेसिव मटेरियल लगेंगे जो कि आपके स्किन के साथ चिपक जाएंगे और जब स्किन के साथ चिपकेंगे तो ये वाला हिस्सा आपके उस छिले हुए हिस्से के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा और ड्रग को रिलीज करेगा ताकि आगे जा करके उनके इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए तो ये कुछ बेसिक बेसिक जानकारियां हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं को कर सकते हैं और इसके बारे में लिखा भी हुआ है मेडिकेटेड ड्रेसिंग हैंसर प्लस वाटर प्रूफ यानी कि आप ये इसमें मेडिकमेंट लगा हुआ है ड्रेसिंग के परपज से यूज कर सकते हैं और इसमें एक स्पेसिफिक तरीके केमिकल हम यूज करते हैं और यह है आपका बेंजाइलियम क्लोराइड सोल्यूशन विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया प्रिंसिपल इसे बनाया किसने है इसे वरुण मेडिपेक्सिन ने बनाया हुआ है ताकि हम इसको अपने घाव की कंडीशन को ठीक करने में यूज कर सकते हैं डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे कितनी लंबाई चौड़ाई कैसा होता है और किस तरीके से यूज करना है तो साफ लिखा हुआ है स्ट्रिप का जो साइज है वो सेवनटी एम एम बाई नाइनटीन एम एम के आसपास है और इसको अप्लाई कहाँ करना है इसको आपको क्लीन सरफेस पे ड्राई सरफेस पे अप्लाई करना है सो so अगर आपके छिल जाने के बाद आपको वहां पे धूल कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं तो इसको अच्छे से डिटॉल के साथ वॉश करने के बाद टॉवेल से ड्राई करने के बाद इस तरह के हैंडसअप्लास्क को स्टिक करके यूज कर सकते हैं सो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सा था उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने बचपन में लगाने वाले हैंस प्लास्क के बेसिक काम करने के तरीके तो पक्का समझ में आ गया होगा ये डिस का काम करता है ये एंटीसेप्टिक का काम करेगा ताकि आने वाले इन्फेक्शन को कम कर सकें आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसडर्मल पैचेस के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं उनके क्या-क्या फंक्शन होते हैं और उनमें से ड्रग कैसे रिलीज होता है यानी कि ड्रग के रिलीज होने का प्रोसेस क्या है सबसे पहले तो हमको ये भी जान लेना चाहिए कि ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है देखिए यह जो शब्द है ट्रांसडर्मल वो दो शब्दों से मिलकर बना है पहला है ट्रांस और दूसरा है डर्मल डर्मल का मतलब होता है आपकी स्किन का लेयर सो so, अगर मैं बात करूं ट्रांस की तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी ड्रग का आपके स्किन के थ्रू होते हुए आपके ब्लड में पहुंचना ये कहलाता है ट्रांसडर्मल और पैच मतलब एक छोटा सा हिस्सा जो आपके स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल पैच तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक पार्ट के बारे में बता दू फिर मैं इसके प्रोसेस के बारे में एनिमेशन के साथ एड करूंगा इस ट्रांसडर्मल पैच में हमको कोई एक ड्रग लेना होगा जिसको चाहते हैं आप कि वो मूव करे आपके ब्लड स्ट्रीम में या अगर आप सरफेस पे बात करते हैं तो सरफेस पे किसी तरह की चोट लगी हुई हो तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे जनरली अगर बात करूं तो जो हैंसा प्लस हम यूज करते हैं वो दूसरा इसमें एक ड्रग रिजर्वायर होगा रिजर्वायर मतलब एक ऐसा पार्ट जो कि ड्रग को अपने में पकड़ करके रखता है जहां पर जरूरत होगी फिर धीरे धीरे उसको डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा और एक होती है आउटर कवरिंग यानी कि ये आपके उस ड्रग को बचा के रखेगा कवर करके रखेगा ताकि वो जो ड्रग है वो पर्टिकुलर रिजर्वायर के अंदर ही रह सके तो ये मेन तीन चीजें हैं और आखिरी में अगर हम बात करें तो एक पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसे लगाने से पहले स्टिकर की तरह हमको निकाल करके अप्लाई करना होगा उस पार्ट पे उस स्किन के पार्ट पे जहां पर आप इसे लगाना चाहते हैं तो ये हुआ कुछ बेसिक बेसिक पार्ट अब देखिए एक एक कंपोनेंट को अलग अलग करके एनिमेशन के फॉर्म में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक रिजर्वायर के टैंपलेट को यह है हमारा ड्रग रिजर्वायर अब जब ड्रग रिजर्वायर है मतलब ये ऐसा होगा कि इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर ड्रग हमारा जाकर के फिट बैठ सकता है तभी तो इसको हम रिजर्वायर कहेंगे तो ये हो गया हमारा ड्रग रिजर्वायर अब ड्रग रिजर्वायर है तो ऑब्वियसली ड्रग की भी आवश्यकता पड़ेगी और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं ड्रग का मतलब होता क्या है ड्रग एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं या तो डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं सो यहाँ पे इसका जो पर्पस है यूज का वो होगा आपका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट सो दिस ड्रग ज टू गो इन टू द ड्रग रिजर्वायर अब ये जो ड्रग है वो आपके धीरे से ड्रग के रिजर्वायर में जाएगा यहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाएगा और ये ड्रग वापस से बैक फ्लो ना हो सके इसीलिए ये आउटर लेयर जो आप देख रहे हैं ये बनाया गया है ये जो आउटर कवरिंग है वो इसी ड्रग को आपके बैक फ्लो होने बैक डिफ्यूज होने नहीं देगा उसको केवल यूनिडाएक्शनल फ्लो होने देगा अब ये जो ड्रग है वो कैसे यूनिडक्शनल फ्लो होगा इसके अलग अलग सेगमेंट है अलग अलग लेयर है सबसे पहला जो लेयर ये आप में देखा दोबारा देखिए ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं पोरस मेम्ब्रेन वट इज दैट दिस इज अ पोरस मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे ताकि इस पोर के थ्रू होते हुए हमारे जो ड्रग है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पोरस मेम्ब्रेन होगा जबकि ये जो आउटर कवरिंग है वो नॉन पोरस है इसी कारण से ड्रग वापस बाहर इस तरीके से नहीं जा पाएगा जबकि पोरस होने की वजह से वो इसके थ्रू आ सकते हैं सो so, जो अगला पार्ट है वो देखिए ये है मैं वापस से करता हूं ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है और इसे हम कहते हैं एडेसिव एडहेसिव मतलब एक ऐसा एजेंट एक ऐसा पार्ट जो कि आपके स्किन के साथ चिपक जाएगा एडेसिव मतलब होता है बेसिकली दो अलग अलग टाइप के मटेरियल के बीच में जॉइंट्स बनाना चिपकाना जोड़ना ये कहलाता है हमारा एडेसिव और ये आपने हैंसा प्लास्ट में बहुत अच्छे से देखा होगा प्लास में एक चीज और देखा होगा जो बैंडेज होते हैं उसमें एक और देखा है कि उसके नीचे एक पन्नी जैसा झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे ये हमारे ग्रीन कलर के लाइन से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड लाइन विच टू बी रिमूव प्रेयर टू यूज इसको लगाने से पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा अब जो हमने तीन लेयर देखे यहां पे ये ब्लू कलर का लेयर दैट इज कॉल्ड पोरस मेमब्रेन ये रेड यानी कि ये आपका एडेसिव है और ये आखिरी में छोटा सा पतला सा आपका ग्रीन कलर का लेयर जो कि आपको निकालना पड़ेगा का एक पन्नी की तरह होता है एक स्टिकर की तरह होता है ताकि अभी फिलहाल जब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके स्किन पे तब तक इसको डिफ्यूज होने ना दे, रोक के रखने वाला इन तीनों को हम साथ में बोल सकते हैं डिफरेंट लेयर ऑफ द ट्रांसडर्मल पैच इस पूरे के पूरे ट्रांसडर्मल पैच में काफी सारे लेयर होते हैं जिनका अलग-अलग काम अभी आपने देखा अब अगर मैं इस आखिरी वाले हिस्से को रिमूव करता हूं

आपका डिफ्यूजन है वो यहां पे लिख सकते हैं डिफ्यूजन अक्रॉस द पोरस मेम्रेन डिफ्यूजन के लिए पोरस की आवश्यकता होगी और ये पोरस आपके इस सेगमेंट के बीच में पाया जाता है जिसमें से पोर्स होकर के आपके ड्रग मूव करेंगे सो दिस अ सिंपल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग पैचेस इसमें कुछ है नहीं केवल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना होगा और आप ये आसानी से समझ जाएंगे इस तरीके के एनिमेशन के थ्रू सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो नमस्कार टेक केयर